हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं पिछले वीडियो में हमने समझा कि मशीन लर्निंग के मेन मेथड्स क्या हैं और हमने सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग री लर्निंग ट्रांसफर लर्निंग और जेनरेटिव एडवर्जेरियल नेटवर्क गैन्स इन पाँच मैथड्स को समझा आज के दिन मशीन लर्निंग का एक पर्टिकुलर एल्गोरिद्म जिसको डीप लर्निंग कहते हैं बहुत प्रचलित होता जा रहा है डीप लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर बेस्ड होती है इस वीडियो में हम समझते हैं कि डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स अपनी इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं न्यूरल नेटवर्क जो कि ह्यूमन ब्रेन में हैं तो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरोन्स नाम की सेल्स हैं जो आपस में कनेक्ट करती हैं और वो आपस में कैसे कनेक्ट करती हैं वो बेसिस बनता है हमारी लर्निंग का हमारी डिसीजन मेकिंग का तो इसी किस्म का न्यूरल नेटवर्क को हमने मशीन लर्निंग की दुनिया में यूज़ करने की कोशिश करी है और इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं मान लिया जाए एक आप एक कंपनी का फ्यूचर शेयर प्राइस जो है वो प्रडिक्ट करना चाहते हो तो इस प्रडिक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है कि कंपनी की अर्निंग्स क्या हैं और एक और इम्पॉर्टेंट इनपुट है कि कंपनी के प्रॉफिट्स क्या हैं और डीप लर्निंग में हम इस किस्म की इनपुट को न्यूरॉन्स कहते हैं तो हम कहते हैं कि एक न्यूरॉन है कंपनी अर्निंग्स और एक न्यूरॉन है कंपनी प्रॉफिट्स इस सिंपल मॉडल में ये दोनों न्यूरॉन्स आपस में कैसे इंटरक्ट करते हैं किस किस्म के पैटर्न्स आउटपुट करते हैं उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि उस कंपनी का फ्यूचर स्टॉक प्राइस या फ्यूचर शेयर प्राइस क्या होगा तो अगर हम थोड़ा गहराई से देखें कि अगर हम किसी कंपनी के फ्यूचर स्टॉक प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो हमारी इनपुट होंगी अर्निंग्स उस कंपनी का प्रॉफिट इन्फ्लेशन कितना है इंटरेस्ट रेट उस वक्त क्या चल रहे हैं कंपटीशन का क्या बिहेवियर है और जनरल मार्केट सेंटिमेंट क्या है कि मार्केट को क्या लगता है कि शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे या घटेंगे तो अगर ये छह हमारे इनपुट न्यूरॉन्स हैं तो ये आपस में कैसे बिहेव करते हैं डिटर्मिन करेगा कि नेक्स्ट लेयर क्या होगी फॉर एग्जाम्पल अर्निंग्स और प्रॉफिट जो हैं ये मिलकर इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में हमें कुछ बताते हैं इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट जो हैं वो हमारे को जनरल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और कंपटीशन और सेंटिमेंट जो है वो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बता रहा है तो इस न्यूरल नेटवर्क में हमारे पहले छः न्यूरॉन्स जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे उनसे हमारे को एक नेक्स्ट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स मिल रहा है जो कि हमने यहाँ क्लासीफाई कर दिया है कि वो हैं फंडामेंटल्स टेक्निकल्स और मार्केट सेंटिमेंट फिर ये तीन न्यूरॉन आपस में कैसे बिहेव करेंगे क्या पैटर्न जनरेट करेंगे ये डिटर्मिन करेगा कि इस कंपनी का फ्यूचर शेयर प्राइस क्या होगा ये मॉडल मैं सिम्प्लीफाई करके बता रहा हूँ बट इन रियलिटी अगर हम एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बना रहे हैं जो कि स्टॉक प्राइस को प्रोडिक्ट करेगा तो हम इस मशीन लर्निंग मॉडल में कुछ डेटा इनपुट करेंगे जैसे कि अर्निंग्स प्रॉफिट इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट कॉम्पिटिशन और सेंटिमेंट पर फिर इसके आगे हम केवल ये डिफाइन करेंगे कि हम कितने न्यूरॉन्स चाहते हैं और ये न्यूरॉन्स क्या होंगे ये हमें नहीं पता ये जो मशीन लर्निंग सिस्टम है डीप लर्निंग का ये हर एक इनपुट को देखेगा और उन हर इनपुट के एनालिसिस पे नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूरॉन्स को जनरेट करेगा और मैंने अपने एग्जाम्पल में बोला था कि ये फंडामेंटल्स हो सकते हैं टेक्निकल्स हो सकते हैं मार्केट सेंटीमेंट हो सकता है पर एक्चुअल मशीन लर्निंग मॉडल में हमें पता नहीं कि ये मॉडल क्या जनरेट करेगा जो भी ये पैटर्न रिकग्नेशन कर रहा होगा उसके बेसिस पर ये नए न्यूरॉन्स जनरेट होंगे इसमें हो सकता है मशीन रिग्रेशन एनालिसिस करके ये नए न्यूरॉन्स जनरेट करे फिर ये तीन न्यूरॉन्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे उनका पैटर्न रिकोगनीशन करते हुए ये मशीन लर्निंग मॉडल दो और न्यूरॉन्स जनरेट करेगा और अगेन हमें नहीं पता कि वो दोनों क्या होंगे एंड फाइनली इन दो के बेसिस पर ये मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि इस कंपनी की शेयर का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जो पहली लेयर है जो हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसको इनपुट लेयर कहते हैं और एक जो हम फाइनली हमारे को अपनी प्रडिक्शन मिलती है उसको आउटपुट लेयर कहते हैं और इन बिटवीन जितनी भी लेयर्स होती हैं उन सबको हिडन लेयर्स कहते हैं तो न्यूरल नेटवर्क का एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं ये एग्ज़ाम्पल है इमेज क्लासिफिकेशन का तो हम एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जनरेट करना चाहते हैं जिसमें कि अगर हम कोई इमेज इनपुट करें तो ये सिस्टम हमें बताए कि क्या वो इमेज कैट है कैट की इमेज है डॉग की इमेज है या लाइन की इमेज है तो ये बायनला जो सिस्टम है यही फ़ेस रिकोग्निशन में भी यूज़ होता है जब आप सोशल मीडिया में अपनी कोई फोटोग्राफ अपलोड करते हो तो मशीन ऑटोमेटिकली आपका फेस डिटेक्ट कर लेती है और अगर आपने मशीन को ट्रेन किया होता है कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं तो वो उनका भी नाम जो है वो पप आउट हो जाता है कि ये फेस आपका एक्स फ्रेंड है ये फेस आपका वाई फ्रेंड का है एंड सो फोर्थ तो यहाँ पर हो सकता है कि मॉडल इस किस्म का बने जहाँ पर कि हम फर्स्ट लेवल पर जब हम अपनी इमेज इनपुट करें तो जो हमारी इनपुट लेयर है वो जो इस इमेज का हर एक पिक्सल है तो अगर एक एक इमेज है जो कि थाउजेंड पिक्सल्स बाय थाउजेंड पिक्सल्स की है तो फिर हमारे ये इनपुट पॉइंट्स वन मिलियन होंगे और अगर वो कलर्ड इमेज है तो वो हर पिक्सल की आर वैल्यू रेड ग्रीन ब्लू वैल्यू जो है वो इनपुट कर रहा होगा और उसके बाद एक सेट ऑफ हिडन लेयर्स होंगी जो कि अलग अलग तरीके से काम कर सकती हैं हो सकता है फर्स्ट हिडन लेयर जो है वो बेस्ड ऑन द पिक्सल्स डिटर्मिन कर रहा हो कि इस पिक्चर इनपुट करी गई है उसकी एजेस क्या थी नेक्स्ट जो लेयर है वो देख रही हो स्पेसिफ़िक फीचर्स की आँख कैसी थी या कान कैसा था उसका नेक्स्ट जो लेयर है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉडर हो सकती है वो मे बी पूरा फेस और मे बी लेग्स या टेल इस किस्म से रिकगनाइज कर रही हो एंड फाइनली जो भी पैटर्न रिकोगनीशन ये न्यूरल नेटवर्क कर रहा होगा उसके बेसिस पे हमारे को एक आउटपुट लेयर मिलेगी जो कि आउटपुट लेयर हमारे को बताएगी कि ये सिस्टम समझता है कि जो हमने फोटोग्राफ इनपुट करी थी उसकी कैट होने की प्रोबेबिलिटी सिक्स परसेंट है डॉग होने की प्रोबेबिलिटी टू परसेंट है और लायन होने की प्रोबेबिलिटी नाइन्टी टू परसेंट है जब हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं तो हम उसके उनके आर्किटेक्चर में केवल ये डिफाइन करते हैं कि हमारे को नेटवर्क में कितनी हिडन लेयर्स चाहिए और हर हिडन लेयर में कितने न्यूरॉन्स चाहिए उसके बाद जो पैटर्न रिकग्निशन है वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करता है हम ये इनपुट नहीं प्रोवाइड करते हैं और हम अपने आर्किटेक्चर में कितनी लेयर और कितने न्यूरॉन चाहते हैं ये कई चीज़ों पे बेस्ड है हम मॉडल को कितना एक्यूरेट बनाना चाहते हैं जितनी ज़्यादा लेयर होंगी उतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड होगी मॉडल उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा आउटपुट प्रोवाइड करने में तो इन सब के बेसिस में हम डिटर्मिन करते हैं कि नेटवर्क का आर्किटेक्चर क्या होगा बाकी काम ये जो इंडिविजुअल लेयर्स हैं ये अपने अपना अलगोरिदम चला रही होंगी जो कि मे बी रिग्रेशन अल्गोधम है मे बी क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम है उन अलगोरिदम्स को चलाते हुए फाइनली वो एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल तैयार कर देंगे आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कई सारी एप्लीकेशंस हमारे को देखने को मिल रही हैं जैसा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही हो है कि एक कंप्यूटर सिस्टम जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम कर पाए तो एक सेट ऑफ़ एप्लीकेशंस कंप्यूटर विजन के अराउंड है कि जैसे हम ह्यूमन्स फ़ेस रिकोगनाइज़ कर पाते हैं या इमेज को क्लासिफाई कर पाते हैं तो कंप्यूटर विजन के जो एआई मॉडल्स हैं वो ये सब काम कर सकते हैं फेस रिकगनीशन इमेज क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट रिकोग्निशन ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कलर रिकोगग्निशन और टैग रिकोगग्नीशन फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड रिकोगगनीशन नेक्स्ट सेट ऑफ पॉपुलर एप्लीकेशन आज के दिन है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे हम ह्यूमस लैंग्वेज को समझ पाते हैं पढ़ कर के या सुन करके वैसे ही एन जो है वो स्पीच रिकोगग्नीशन टेक्सट टू स्पीच मशीन ट्रांसलेशन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्स्ट में सेंटिमेंट क्या था इसको रिकोगनाइज़ करना और नेम रिकोगगनीशन ये सब आज के दिन ए आई कर पाती हैं नेक्स्ट कैटेगरी है रोबोटिक्स और ऑटोनमस व्हीकल्स की इसमें जो ए आई मॉडल है वो सबसे पहले परसीव कर पाता है कि उसके अराउंड जो दुनिया है वो कैसी है क्योंकि अगर एक गाड़ी चल रही है रोड पर और गाड़ी को आगे कोई ऑब्जेक्ट नज़र आता है जो कि कंप्यूटर विजन पे आधारित है तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है पेडेस्ट्रियन है या कोई एनिमल है और वो किस स्पीड पे रोड क्रॉस करेगा उस बेसिस पर ये एआई मॉडल मोशन प्लानिंग करेगा कि सबसे सेफ या सबसे ऑप्टिमल पाथ उस रोबोट या उस ऑटोनमस व्हीकल के लिए क्या है एंड बेस्ड ऑन दैट वो कंट्रोल प्रोवाइड करेगा मोटर्स को कि वो किस स्पीड पर चलें और कितना टर्न करें आपको पता हो या ना पता हो पर आप ऑलरेडी ए कई जगह यूज़ कर रहे हो जब आप ईमेल यूज़ करते हो और उसमें जो अपने आप ईमेल जंग फोल्डर में चली जाती हैं उसके पीछे एआई काम कर रहा है मशीन ट्रांसलेशन जैसे आप गूगल ट्रांसलेशन में हिंदी में कुछ टाइप करते हो तो वो आपको इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर देता है इसके पीछे ए काम कर रही है ड्रग रिसर्च में आज के दिन ए यूज़ हो रही है सर्वेलेंस में बहुत ए यूज़ हो रही है क्योंकि अब हम सी कैमरा के बदले हम विज़न सेंसर कैमरास लगाते हैं जो कि फिर फेस रिकोग्निशन या ऑब्जेक्ट रिकोगनीशन कर पाते हैं तो अगर कोई ऐसा कैमरा एयरपोर्ट में लगा हो और कोई टेररिस्ट वहाँ जाए तो वो कैमरा ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि वहाँ पे टेररिस्ट है और अलर्ट रेज कर देगा मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में एआई यूज़ हो रही है स्पीच रिकोगगनीशन में एआई यूज़ हो रही है ऑटोनमस वहीकल्स और इवन जो चैट बॉट्स आपको कई बार सोशल मीडिया में दिखते हैं कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट रिजर्वेशन के लिए जाओ तो जो आप टेक्स्ट चैट करोगे उसके पीछे ह्यूमन नहीं होगा उसके पीछे कोई एआई मॉडल आपको आंसर दे रहा होगा कि मेन्यू में क्या है रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है इस किस्म के आंसर्स आपको मिल रहे होंगे ए आज के दिन इतनी प्रचलित क्यों होती जा रही है इसके कुछ कारण हैं पहला कारण है कि ए आई मॉडल्स यूज़ करने के लिए खासकर डीप लर्निंग के अल्गोधम्स यूज़ करने के लिए बहुत कंप्यूटिंग पावर चाहिए और आज के कंप्यूटर्स में इस किस्म की कंप्यूटिंग पावर है और वो बहुत महंगी भी नहीं है दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इफ़ेक्टिव ए आई मॉडल्स के लिए हमारे को वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए और आजकल हम जितना सोशल मीडिया में अपना इन्फॉर्मेशन अपनी अपलोड करते रहते हैं या सेंसर्स जिस किस्म से आज के दिन सस्ते होते जा रहे हैं तो इस किस्म का बहुत डेटा जिसको बिग डेटा कहते हैं हम बहुत जनरेट कर रहे हैं और तीसरा कारण है कि जो मशीन लर्निंग के अल्गोरिदम्स हैं खासकर डीप लर्निंग जो कि न्यूरल नेटवर्कस पर आधारित है ये ज़्यादा इफेक्टिव होते जा रहे हैं तो ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से आज के दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है पर कई लोग एआई के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं इसके लिए समझना ज़रूरी है कि आज के दिन एआई के जितने भी मॉडल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो अधिकतर वीक एआई या नैरो एआई है वीक एआई या नैरो एआई का मतलब है कि ऐसे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स जो कि किसी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जैसे अगर हमने एक लंग कैंसर डिटेक्शन अल्गोदम बनाया है तो उसको हम मे बी कोविड डिटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों लंग एक्सरे इस पर आधारित हैं पर वो ए मॉडल किसी और डिज़ीज़ का प्रडिक्शन नहीं कर सकता तो ये बहुत टास्क ओरिएंटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आज के दिन यूज़ हो रही है और जो ज़्यादा फियर है वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ए के बारे में है जिसको कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं हमें लगता है कि मशीन्स एक दिन शायद ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ऊपर चली जाएंगी और तब वो ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं आज के दिन कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के कैपेबल हो तो एटलीस्ट इमीडिएट फ्यूचर में तो ये खतरा नहीं नज़र आता है ऑफकोर्स आने वाले दशक क्या करते हैं ये तो केवल समय ही बताएगा पर इवन जो नैरो ए है उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे को जब हम ए यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यह है कि जितने भी हम ए आई मॉडल्स बनाते हैं मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाते हैं वो इस बात पे बहुत डिपेंडेंट हैं कि जो डेटा हम इनपुट कर रहे हैं वो डेटा एक्यूरेट हो वो डेटा अच्छी क्वालिटी का हो तो इस किस्म का डेटा कितना अवेलेबल है ये बहुत डिटर्मिन करेगा कि हमारे ए आई मॉडल्स कितने एक्यूरेट होंगे एक और जो बड़ी प्रॉब्लम ए आई के साथ आज के दिन है वो है कि जो हम हमारा एग्जिस्टिंग डेटा है बहुत सारे डेटा में बहुत सारा स्टीरियोटिपिकल बायस है जैसे किसी ने यह ट्राई किया था कि एक एआई मॉडल बनाया जहां उन्होंने कहा इफ़ मैन इज़ टू वर्क देन व्हाट आर विमेन इक्वल टू और एआई सिस्टम का आंसर था कि इफ़ मैन इज टू वर्क विमेन इज़ टू होम मेकर्स जो कि एक ट्रेडिशनल स्टीरियोटिपिकल बायस है आज के दिन बहुत प्रॉबिलिटी है कि वेमेन आर ऑल्सो वर्कर्स बट अगर हम ये डेटा यूज़ करके कोई सिस्टम बना रहे हैं तो उसमें ये बायस अपने आप आ जाएगी और फिर ये बायस फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एच हायरिंग टूल में भी आ जाएगी कि अगर एक कंपनी में जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मॉडल्स यूज़ कर रहा है फॉर हायरिंग पर्पसेस, तो उसमें विमेन के अगेंस्ट हो सकता है कुछ बायस हो या फिर जो बैंक लोन की एप्लीकेशन को प्रोसेसिंग आजकल हो रही है उसमें भी बहुत एआई यूज़ हो रही है और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे पॉपुलेशन सेगमेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करे जो कि ट्रेडिशनली अच्छा अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रखते हैं तो जब हम एआई सिस्टम यूज़ करें तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है कि डेटा में इस किस्म की बायस नहीं है एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ए आई मशीनस चलाने की जो कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है वो सस्ती नहीं है उसके एनवायरमेंटल इशूज़ भी हो सकते हैं और उससे भी बड़ी बात है कि ए जो है वो आजकल बहुत ही खराब कामों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया में कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिल सकती है कि जहाँ पर कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा है जबकि उस सेलिब्रिटी का वीडियो नहीं था हमने ए आई यूज़ करते हुए जिसको डीप फेक कहते हैं हमने एक मॉडल बना दिया और हम किसी भी सेलिब्रिटी को कुछ भी कहलवा सकते हैं तो इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन जो ए आई आधारित है वो बहुत सर्कुलेट हो रही है और ये पता करना कि वो असली है या या नहीं ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है इसलिए हमें बहुत अवेयर होना चाहिए खासकर सोशल मीडिया में कुछ इन्फॉमेशन हमें मिले तो वो फेक है कि रियल है इसके बारे में हमें बहुत सचेत रहना चाहिए और एक और बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट और इनक्वालिटी की कि अगर ये इंटेलिजेंट मशीन्स बेहतर और बेहतर होती जा रही हैं तो ये कई सारे ऐसे काम कर सकती हैं जो कि पहले केवल ह्यूमंस करते थे तो अगर मशीन अब वो काम कर पाती है तो वो जो ह्यूमन है उसकी जॉब का क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है और एक और प्रॉब्लम है इनक्वालिटी की क्योंकि ए के कुछ प्रोडक्ट्स कोई डिजीज़ डिटेक्शन अल्गोरिदम है तो वो मे बी वो ए आई मॉडल बहुत महंगा है इसलिए उसकी एक्सेस केवल उन लोगों के पास है जिनके पास पैसा है तो उनको बेटर एंड बेटर हेल्थ केयर मिलेगी और जो पुअर हैं वो वंचित रह जाएंगे तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं ए आई के साथ जिनको हमारे को नज़र में रखना चाहिए फ़ाइनली मैं आपको कुछ एग्ज़ैम्पल्स दिखा रहा हूँ जो कि आप खुद ए आई मॉडल्स ट्राई कर सकते हो जस्ट फॉर द फन ऑफ इट तो ये एक वेबसाइट है myheritage.com इसमें अगर आप एक स्टिल इमेज अपलोड करोगे तो वो ए आधारित एनिमेशन प्रोड्यूस कर देगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि आईबॉल मूवमेंट लिप मूवमेंट वगैरह इसने ऑटोमेटिकली डिटरमिन किया है और उसके बाद स्टिल इमेज को एक स्मूथ सी एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया है एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है क्विक का इस वेबसाइट पर आप कोई डूडल बनाओगे और मशीन गैस करेगी कि आपने डूडल क्या बनाया है आर्ट और डिज़ाइन में आज के दिन ए कैसे यूज़ हो रही है इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्ट ब्रीडर डॉट कॉम आप इस वेबसाइट में जाके ए यूज़ करते हुए चीज़ें बना सकते हो जेनरेटिव एडवर्जेरियल नेटवर्क्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आई की ये वेबसाइट इसमें आप इमेज में ट्री ग्रास डोर स्काई क्लाउड ऐसी चीज़ें एम्बेड कर सकते हो जब आप केवल एक ब्रश का स्ट्रोक करोगे तो ये चीज़ें एम्बेड होंगी पर वो इंटेलिजेंटली एम्बेड होंगी जो सिस्टम है वो अपने आप आसपास की पिक्सल्स को पहचानेगा और डिटरमिन कर लेगा कि कहाँ घास होनी चाहिए कहाँ नहीं मेरे विचार में गूगल टीचेबल मशीन इस वक्त मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने का एक बेहतरीन तरीका है जो कि बहुत सरल भी है इस वेबसाइट पर आप तीन किस्म के मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो इमेज बेस्ड ऑडियो बेस्ड और पोज बेस्ड आप मेरे YouTube चैनल में जाओगे तो वहाँ पर मैंने टीचेबल मशीन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि आप टीचेबल मशीन में मॉडल बिल्ड करके उसको कैसे स्क्रैच में कॉल कर सकते हो और फिर कैसे उसको माइक्रोबिट के साथ यूज़ कर सकते हो आई होप आपको ये दो वीडियोस देख के समझ आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है और ये कैसे काम करते हैं